रूम तो है बढ़िया, पीछे है व्यू अपना पिछोला लेक, और यहाँ टेबल सजाएंगे, एंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग, तो गाइस आज है 15 जुलाई, डे टू इन कुंभलगढ़, और हम विद इन एन आवर हम लोग चेकआउट कर लेंगे। अभी बज रहे हैं 7:45, हमारा टारगेट है कि हम 7:30 या 7:45 तक हम यहाँ से निकल जाएं टू उदयपुर। उदयपुर जाते समय हमने एक जगह सोच के रखी है, दैट इज़ हल्दी घाटी। अगर हमें वो रोड सही लगा तो ही हम जाने वाले हैं, बिकॉज रोड जो है ना, रोड वैसे इतना ख़राब नहीं है, रोड प्रॉपर है, बट ओनली थिंग इज़ जो स्विंग अप डाउन ये डम होता ना, तो अब कुछ देर के बाद शायद आपको यू नो फील होने लगेगा। चलो भाई चलते हैं और लालबाग रिसोर्ट को कर देते हैं गुड बाय। I just wanna talk to you, talk to you. I can get it all for you, all for you. Don't know about tomorrow, but you got me now. Maybe in a little while I can lock it down. Can you focus on me, focus on now? Can we focus on we for a little while? I just wanna roll, I just wanna roll out. Shorty in my phone said I gotta slow down. तो मैं अभी आ चुका हूँ हल्दी घाटी, और आप देखिए, अब जब कुंभलगढ़ से आगे जाएंगे टूवर्ड्स उदयपुर, तो एक कट आएगा वहाँ से, 15 मिनट का रास्ता है, ठीक है, और टू लेन बना हुआ है, तो आप जल्द से 15 मिनट में आ जाएंगे। और ये इतनी है घाटी, यहाँ जितनी आगे जा रही पीछे उतनी, बस ये दो ही घाटी है जहाँ पे आपको येलोइश दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा रॉक ही येलो है, पूरा येलो हो चुका है। ये मेरे ख्याल से ऊपर से मिट्टी उट्टी आगे हो चुकी है। और यहाँ देखिए, और आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, इसके आगे म्यूज़ियम है, और उसके आगे है म्यूज़ियम के पास में ही है चेतक की समाधि है वहाँ पे, और उसी के साथ में है आपका एक गुफा जहाँ से महाराणा प्रताप गुफा के दौर से गए थे। चलो अब चलते हैं हम सीधे उदयपुर, एक बार तो आना प्लीज़, वर्थ होगा, और एक बार तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे, एटलीस्ट आपको देखना चाहिए ये। पता नहीं कितने साल तक और रहेगा ये, अब ये 500-600 साल पुराना है, अभी भी वही वैसा ही येलो एज है। चलो, और आगे एक है रक्त तलाई है, जहाँ पे इतना ब्लड निकल गया था कि वो उसका नाम ही रक्त तलाई बन गया था। वहाँ तो नहीं जाएंगे हम, फिर चलते हैं उदयपुर। चलो देखो, कुंभलगढ़ देख लिया, हल्दी घाटी भी देख लिया है, और अब तो सीधे उदयपुर आ ही रहे हैं। उदयपुर मैं दिसंबर में आया था, तो मतलब यानी कि 6-8 महीने पहले आया था, तो काफ़ी जगह मैंने देख ली थी, और वैसे भी देखा हुआ ही है, पर अभी कुछ जगह है जो देखनी रह गई थी, और कुछ ऐसी जगह है जिन्हें मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो भैया आ चुके हम शहर के अंदर, और अभी भी है 12 किलोमीटर, क्योंकि हम एग्जैक्टली जाने वाले चांद पोल के पास है हमारा होटल,
एग्जैक्ट सेंटर पे ही है, जिसके पीछे की तरफ है पिछोला लेक। ओके, यहाँ से और 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, ये है स्वरूप सागर, स्वरूप लेक है इसका नाम। ये रहा भाई हमारा होटल सरोवर। वाओ क्या बात है, मजा आ गया भाई। देखो भाई, हमने पी लिया है चाय और हम हो चुके हैं रेडी। कैसा दिख रहा हूँ जो दिखा दो भाई, बढ़िया लग रहा हूँ ना? तो ये है हमारा होटल, ठीक है, आपने अभी देख लिया होगा यहाँ से जो व्यू है। इस व्यू को एंजॉय कर रहा था, आके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, रात को फिर से एंजॉय करेंगे। अभी हम जा रहे हैं सीधे फतेह सागर। फतेह सागर पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, वहीं पर लंच करेंगे हम अपना। तो चलो फटाफट चलते अपन नीचे। इतनी पतली सी गली में आपको लगता है आप अपनी चार पहिए वाहन को ले आओगे? बहुत मुश्किल है लाने में। उदयपुर में अगर आप यहाँ पे शहर के बीच में रहते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप वॉक कर करके शहर के अंदर भीतर शहर के अंदर घूम सकते हो। उनके लिए जो राजस्थान में पहली बार आ रहे हैं, यहाँ का कल्चर भी देख लीजिए आप थोड़ा सा, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जग मंदिर है तो वो भी देख सकते हैं। तो ये अपना लेक पिछोला और हमारा रूम, एक मिनट में दिखाता हूँ, पहले गाड़ी को निकलने दो। हमारा रूम है वहाँ पे, वो वहाँ पे दूर है। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। उदयपुर में आते ही ना मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, बहुत पुराना कनेक्शन है भाई उदयपुर से, बहुत पुराना और बहुत गहरा कनेक्शन है उदयपुर से मेरा। बेटा जुम्मन जी कैसा लग रहा है तुझे, दोबारा तू आया यहाँ पे है ना, वापिस आना तू। यहाँ पे हो रही है बोटिंग, हम बोटिंग भी करने वाले हैं। ये है महाराणा प्रताप स्मारक। हाँ आते ही ना थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा गिर चुका है, अच्छा लग रहा है। वो है आपका जग मंदिर और ये पूरा अरावली है। और यहाँ पे आते हैं सारे हमारे खाने पाने खाने पीने के स्टॉल्स, फूड कोर्ट ही समझ लीजिए इसे। बोटिंग चल रही है, बोटिंग का प्राइस है करीब 120 या 200 रुपये होगा। पहले कुछ खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। कहाँ गया भाई, भाई विनोद, विनोद विनोद के पास ही चलेंगे। यस तो भाई देखो, हम आ चुके हैं विनोद रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या है, फूड कोर्ट ही है, सामने है आपका फतेह सागर। यहाँ पे बैठ जाओ साइड में काउंटर्स पे। हमने ऑर्डर किया है पाव भाजी और मसाला डोसा और एक मॉकटेल ऑर्डर करते हैं साथ में, देखते हैं आपको बताते हैं कैसा है यहाँ का खाना, ठीक है। चलो भाई पाव भाजी खा के देखते हैं। पाव भाजी तो एक नंबर है। ये आ चुका है हमारा फ्रेश लाइम सोडा। रिफ्रेशिंग, इसके अंदर कुछ नहीं है।
यार गर्मी हो रही है बहुत तेज। हमने कर लिया लंच, अब हम हैं थोड़ी सी चाहिए ठंडी हवा।